वहाँ की सरकार बिल्कुल भंग होनी चाहिए और जो है वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। कोलकाता में हुए महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म मामले में आज हजरतगंज गांधी प्रतिमा पर भाजपा नेत्री अपर्णा यादव और उनके कार्यकर्ता और कई इसमें स्कूल के बच्चे भी मौजूद रहे और संगठन महिला संगठन से भी लोग मौजूद रहे, यहाँ पर आज प्रदर्शन किया और ममता सरकार की निंदा की कि ममता सरकार में आखिर ऐसे कांड क्यों हो रहे हैं और हम लोग मानते हैं कि उसकी एक हत्या है, प्लान से सब पूरा हुआ था और उन लोगों ने आज ममता सरकार का यहाँ पुतला भी फूका है और इन लोगों ने एक ये भी बात कही है कि ये लोग सामूहिक यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखेंगे कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उसे भंग किया जाए, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन जरूर लगाया जाए क्योंकि ऐसी घटनाएं अगर होती रहेंगी पश्चिम बंगाल में तो कोई भी परिजन कोई भी व्यक्ति अपनी बहू बेटियों को रात में शिफ्ट में हॉस्पिटल में ड्यूटी करने में नहीं भेजेगा या फिर कहीं और भी, आखिर ऐसा क्यों। इस पर लेकर यहाँ पर काफी देर तक प्रदर्शन हुआ और पुतला भी फूका गया। मैं अमर उजाला से कुलदीप सिंह। वहाँ की सरकार बिल्कुल भंग होनी चाहिए और जो है वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तो आपने एक सामूहिक चिट्ठी नरेंद्र मोदी जी को आप लिखेंगे, उसमें क्या मांग रहे हैं? यही रहेगी कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। कहीं ना कहीं से सरकार पर लापरवाही कर रही है पूरे न्याय में। बिल्कुल लापरवाही कर रही है ममता सरकार की, अगर इसमें मिली भगत ना हो तो अभी तक तो वो पकड़े जाने चाहिए थे। वो मेरी मांग है, आप लोगों की मांग है कि नहीं? मैं ये चाहती हूँ, सबसे अपील करती हूँ, अपने अपने आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी लोग जो है अपने अपने फोरम्स पे लिख सकते हैं। मैंने कल उनके माता पिताजी से बात करी, वो यहाँ आने वाले थे पर वो इतने ज़्यादा सदमे में है कि उनका एक ही शब्द बार बार मेरे कान में गूंज रहा है। मिस्टर देवनाथ से जब मैंने बात करी कल, मुझे उनका नंबर प्राप्त हुआ, उन्होंने कहा कि आप जो ये काम कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं पर वी वांट जस्टिस, मैं चाहता हूँ मेरी बेटी के साथ जस्टिस हो, न्याय हो। बड़ी गुंडी तो आप ही होंगी, तो मैं चाहती हूँ सब लोग यहाँ पर पहले कैंडल जलाएं, उसके बाद जो मैं करने जा रही हूँ उसमें मेरा साथ दे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की। कि वी वांट जस्टिस, और पोस्टर पे भी आपने पढ़ा है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन शुड बी ट्रीटेड लाइक टेररिज्म, यानी आतंकवाद की तरह अगर हम इसको डील नहीं करेंगे तब तक वुमेन सेफ्टी पर, वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहा है, महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहा है, जो उनके प्रति, मैं समझती। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।